नमस्कार नमस्कार दादाजी नमस्कार। अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड है, आपको शर्म आती है? हेलो हाँ? इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आप सोनी वालों को बोलो कि कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ। अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ। किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी। हाँ कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है, कान के पीछे सट मारी उन्होंने। ऐसी हरकतें करते रहते हैं उदित जी, आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, है? म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया। शराफत शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं करता। वाह वाह वाह। अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था, पूछो पिंकी को जाके। पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है, है? लेकिन ये मेरे पति ये ऐसे है कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो? शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता है हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार? पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानू साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती हैं? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे आए हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा, आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये, मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात जा रही, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके 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 चले जा रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।